दोस्तों आज है 9 जनवरी 2019 और दोस्तों आज की तारीख में हमें जियो की एक बहुत ही बड़ी दुख खबरी मिली है। दोस्तों ये जो दुख खबरी है ये कोई बर्बाद नहीं कर डालेगी जियो कंपनी को, ना ही जियो की सिम बंद होने जा रही है, लेकिन दोस्तों जियो के जितने यूज़र हैं ना उन सभी को अब इंटरनेट चलाने में मज़ा कम आएगा। मज़ा कम किस लिए आएगा, क्या स्पीड कम हो रही है, क्या लोचा होने जा रहा है जियो के साथ, दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। जियो के यूज़र हैं तब देखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये सारी समस्याएं आपको भी आ रही होंगी और आने वाले समय में और भी ज्यादा आएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के फौरन लुफ्त उठाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार करता हूँ आप सभी का स्वागत हिंदुस्तानी हेल्पर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बनाया, मैं आप सभी को सूचित करना चाहता था। इसके साथ सारे जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये खबर दौड़ रही है कि जियो मनमाना कर रहा है। मनमाना कर रहा है इसका मतलब ये दोस्तों कि जो साइट चाह रहा है वो साइट बैन कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। दोस्तों जियो के 250 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि 125 करोड़ की आबादी वाले इंडिया में वो 25 करोड़ सब्सक्राइबर्स रखा है। 25 करोड़ सब्सक्राइबर्स दोस्तों दिन भर में कितना जाने कितने वेबसाइट्स विजिट करते हैं। दोस्तों जियो जो मन में आ रहा है वही वेबसाइट बैन कर दे रहा है। दोस्तों पिछले साल अगस्त में सरकार की ओर से नेट न्यूट्रलिटी नाम की एक सिस्टम आई थी, जिसके तहत कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं आप जिसको बैन नहीं कर सकती, और उनमें शामिल होता है दोस्तों प्रॉक्सी वेबसाइट्स। प्रॉक्सी एक ऐसे साइट्स होते हैं जहां पर जाके आप वो वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं जो कि ब्लॉक की गई हैं आईएसपी द्वारा। आईएसपी मतलब कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि जियो, वोडाफोन आइडिया वगैरह जो इंटरनेट दे रहा है। दोस्तों यहां पर जियो ने वो प्रॉक्सी साइट्स को भी बैन कर दिया है। दोस्तों जो लिस्ट है प्रॉक्सी साइट्स की वो है वीपीएन बुक, हाइडस्टर, के प्रॉक्सी, प्रॉक्सी साइट, प्रॉक्सी डॉट टूलर, मेगा प्रॉक्सी, हाइट डॉट मी। दोस्तों इन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों सरकार कहती है कि आप इनको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, पर जियो ने ऐसा कर दिया है, ये काफी गलत किया जियो ने। और दोस्तों ऐसा करने से अब सरकार जियो को कुछ सजा भी दे सकती है। अक्सर ट्राई कंपनीज के ऊपर लगाम लगाता रहता है, यहां पर जियो को भी कुछ सजा मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जियो अपना मनमाना काम कर रहा है, देखिए इसका क्या सजा मिलती है जियो को। अब दोस्तों इसका अपने ऊपर क्या असर पड़ रहा है, अपने ऊपर ये असर पड़ रहा है दोस्तों कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है। ये हमें सोचना है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं। हम पैसे भरवा रहे हैं अगर मोबाइल में, तो ये हमारे ऊपर है कि हम देखें क्या न देखें। दोस्तों हम कौन सी वेबसाइट जाएं कौन सी न जाएं, कई सारे ऐसे वीपीएनस हैं जो कि हमें फ़ायदा देती हैं वेबसाइट्स में पहुंचने में, जहां से हमारा काम निकल जाए। दोस्तों कई सारे लोगों की कमाई का सोर्स है वो ऐसी वेबसाइट्स जहां से उन्हें कमीशन मिलती है दोस्तों, जैसे कि बुकिंग वगैरह साइट्स हो गई जो कि मतलब जल्दी जल्दी बुकिंग करती हैं। दोस्तों तो यहां पर हम जब पैसे भरा रहे हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा जो हम देखना चाहें, पर दोस्तों ऐसे अगर मनमाना ब्लॉक करते फिरोगे थोड़ी ना ऐसा चलता है। दोस्तों अक्सर कॉलेज में फेसबुक वगैरह बैन रहता है, तो वहां पर बच्चे फेसबुक चला लेते हैं प्रॉक्सी वेबसाइट्स के थ्रू। मानते हैं थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी फ्रीडम छीनी जा रही है कि नहीं। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपने जवाब हमें बताइए, और बाकी वीडियो को लाइक करिए अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हम तक देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निरंतर भरोसा हम पर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, इजाजत दीजिए।